आज का वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए फिजिकली हेल्दी होना जितना ज़रूरी है, मेंटली हेल्दी होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेंटली हेल्दी होकर आप फिजिकली पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो सकते। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी संस्था, कोई भी फैमिली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कैसे टेंशन को दूर करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये सब के बारे में नहीं सिखाता है। इसीलिए आज का दिन आप देखेंगे मेंटल इलनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिजिकली हेल्दी होने के लिए आप अच्छे से डाइट मेंटेन करते हैं, सुबह को दौड़ने के लिए जाते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन मेंटली हेल्दी होने के लिए क्या करना है आपको पता नहीं है। दुनिया में अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, या मोटे मोटे तौर पर आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिना मेंटली स्ट्रांग होकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं 5 ऐसे साइन के बारे में, जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं आप मेंटली स्ट्रांग हो या नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति का पहला जो लक्षण है वो है कॉन्फिडेंट। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर, किसी भी परिस्थितियाँ, किसी भी सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करता है और अच्छे से हैंडल करता है। चाहे क्यों ना वो नेगेटिव परिस्थितियाँ हो, उसे भी वो पॉजिटिव में टर्न कर लेता है। कोई अगर मेंटली स्ट्रांग ना हो तो परिस्थितियाँ से आदमी भाग जाता है, इसीलिए मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति का कॉन्फिडेंट बहुत हाई होता है। नंबर 2, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति ब्लेम गेम नहीं खेलता है। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है परिस्थितियाँ से भागने के लिए या बचने के लिए दूसरे के ऊपर दोष दे देना या उसको ब्लेम कर देना। इससे आप थोड़े समय के लिए तो बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो खुद से करना है, किसी को ब्लेम करके आप ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं करते, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग जो व्यक्ति है उसका ये भी एक बड़ा निशानी है। नंबर 3, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति वो अपने दुनिया में ही खोए रहते हैं और वो हर समय एक गोल सेट करता है और इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस रहता है। एक गोल को अचीव करने के बाद वो दूसरे गोल सेट करता है, क्योंकि अगर आप गोल ही नहीं सेट करेंगे तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर ले लो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आप घर से निकले हैं और गाड़ी पकड़े हैं, गाड़ी पकड़ने के बाद अगर आपको कंडक्टर पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको अगर डेस्टिनेशन नहीं पता तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, यानी आप भटकते रहेंगे। इसीलिए जीवन में गोल होना बेहद ज़रूरी है। जो मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति या सक्सेसफुल व्यक्ति का रहता है, सिर्फ एक गोल नहीं रहता है, वो कंटिन्यूसली गोल सेट करता है और उसको अचीव भी कर लेता है। नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति का चौथा जो सबसे बड़ा निशानी है वो है खुश मिजाजी। वो लोग अपने आप बेहद खुश रहते हैं, वो डिप्रेस नहीं होते हैं और तनाव में नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है और एबिलिटी है वो उसको पता है, क्योंकि वो लोग बेहद कॉन्फिडेंट होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और अपने आप में गोल सेट कर गोल को अचीव करता रहता है। इसीलिए दुनिया में वो जो चाहिए अपने हिसाब से वो ले लेता है, तो इसीलिए उसको तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है और इसीलिए वो बेहद खुश रहता है। नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति ओपन माइंडेड और काइंड हार्टेड होते हैं। छोटे छोटे बात को माइंड नहीं करते हैं और वो लोग दूसरों का दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ना कि अपना दुख में, और दूसरों को काफ़ी मदद करना बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, इन सब गुण अगर आप किसी व्यक्ति पर देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए वो व्यक्ति बहुत मेंटली टफ है, यानी वो मेंटली स्ट्रांग है। अगर आप भी चाहते हो उन सब गुण अपने अंदर आए, तो आपको प्रैक्टिस के जरिए इन सब गुण आप ला सकते हो, क्योंकि मेंटल टफनेस जो है वो प्रैक्टिस करके भी बढ़ाया जा सकता है। अगर दुनिया में आपको बड़ा कुछ करना है तो मेंटल टफनेस लाना ही है, क्योंकि बिना मेंटल स्ट्रांग होकर आप बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।